देवघर में एनजीटी लागू होने के बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर बालू उठा रहे हैं। बालू माफिया किस कदर बेखौफ है, इसका जीता जागता उदाहरण सारवा प्रखंड के बालीडी घाट पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बालू माफियाओं के द्वारा 10 से ज्यादा ट्रैक्टर दिन दहाड़े बालू का उत्खनन कर इसकी ढुलाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह बालू ऊंचे दामों पर कई क्षेत्रों में बेची जा रही है। देवघर डीसी के द्वारा सभी थाना प्रभारी और जिला खनन पदाधिकारी को पहले ही बैठक कर ये दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि अवैध खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाए, लेकिन खनन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बराबर कर एनजीटी के रोक के बावजूद तो चलना तो उचित नहीं है। अगर उसी इस तरह अगर सामने आती है मामला तो उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम लगभग 7 आदमी को सड़क पे एफआईआर किए गए हैं और इसी तरह और सख्त कार्रवाई मेरे स्तर से किया जाएगा जो संभव हो पाएगा। गाड़ियाँ सर लगातार चल रही है सर। हाँ, इसके संदर्भ में थाना को भी बोला जा रहा है कि आप अपने जाके देखते रहें, मॉनिटरिंग करें, आवश्यकता अनुरूप छापा मारी भी किया जाएगा।